ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताते हैं अब अगली खबर, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटीक से न्यूज 18 ने बात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार हैं। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी। स्वागत है न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे, कांवड़ यात्रा चरम पर है, केसरिया सैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाए। क्या कहना चाहेंगे, कांवड़ियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा महापर्व है हमारा और 2017 में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें हमारे यहाँ जो पूर्व में सरकार थी समाजवादी की उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जब हमारी कांवड़ यात्रा होती थी तो डीजे पर रोक लगा देते थे और अपने धर्म को बढ़ने नहीं देते थे। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, वो कांवड़ के जो हमारे कांवड़ियाँ हैं जो हरिद्वार गंगोत्री से जल लेकर के आते हैं, यह हमारा महापर्व है, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके हम उनका स्वागत करते हैं, हमारी सरकार करती है। और ये जो अपना धर्म है, बहुत बड़ा हमारा पर्व है कि गंगा जल ला करके महाशिवरात्रि को भगवान शंकर का जल अभिषेक करते हैं। मैं धन्य हैं ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी एक हिंदू राष्ट्र और अपने इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को, अपने इस महापर्व को बहुत अच्छी तरीके से कांवड़ियों का स्वागत करने के रूप में मनाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई ऐसी झांकियाँ निकल रही हैं जो खासतौर से योगी और मोदी जी को लेकर हैं। कल मैं देख रहा था कि योगी जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और कांवड़िया झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कि डीजे बजवा दिए योगी ने। ये इसी शासन में संभव हो सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने डीजे तो बजवाए ही हैं, लेकिन उन्होंने हर धर्म को, चाहे वो कोई धर्म हो, बिल्कुल अनुशासन में और कानून की रेखा के अंदर रहते हुए, चाहे कोई सा भी पर्व हो, उसको बड़े हर्षोल्लास से मनवाया है। इसी तरीके से आज ये कांवड़ यात्रा हमारी बहुत अच्छी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के एक एक हिस्से में जहाँ भी कांवड़िए हैं जल लेकर के जा रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। और आज मेरी सहारनपुर कमिश्नरी से लेकर मेरठ कमिश्नरी तक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश हैं कि जो भी कांवड़िया क्षेत्र को निकले उन पर पुष्प वर्षा हो। आप भी जाएंगे पुष्प वर्षा करने के लिए? हम भी जाएंगे, जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, अपने कांवड़ के जितने शिविर लगे हैं पूरे मेरठ के अंदर, और आज मैं बिजनौर की साइड भी जाऊँगा। आप जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं, ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त का, क्योंकि अब सावन का महीना चल ही रहा है, बाढ़ की समस्या भी आ सकती है। बिजनौर में भी आप इसी सिलसिले में मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, क्या आपके पास योजनाएं हैं? अभी एक महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक महीने पहले अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और स्वयं मैं और हमारे राज्य मंत्री, उसमें पूरी बाढ़ की समीक्षा की गई थी और पूरे बाढ़ प्रबंधन कैसे हो और नाव और चौकियां कैसे बने और हम जनता को जनहानि पशुहानि इत्यादि कोई ना हो, इसके लिए सारे प्रबंध पहले ही कर दिए गए हैं। मंत्री जी, हर घर जल योजना भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और आप लोग भी इसको क्रियान्वित करने के लिए जुटे हुए हैं। मैं देख रहा था कि हस्तिनापुर में गया था, कई गाँवों को मैंने दौरा किया, वहाँ पर हर घर जल लोकर के जो है युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, तो ये भी प्रायोरिटी में नंबर वन पर है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सब धरातल पर चल रही हैं और बहुत अच्छा कार्य हो। एक लास्ट सवाल, कुछ ट्वीट हुए हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उन ट्वीट्स पर क्या कहेंगे? वो अपने ट्वीट उन्होंने किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं और उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी समझदारी से और जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, यूपी हमारे साथ मौजूद थे दिनेश खटीक जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने
जल शक्ति राज्य मंत्री ने सारे मुद्दों पर अपनी बात की। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर के वो विशेष प्रयास करेंगे, हर घर जल योजना को लेकर भी वो विशेष प्रयास करेंगे और हर घर जल योजना घर घर तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ।